आज के सेशन में हम देखेंगे फार्मूला से, फार्मूला इंट्रोडक्शन, और फार्मूला को कैसे चलाते हैं, इसमें हम ये सारी बारीकियां जो होती हैं फार्मूला की वो देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले फार्मूला कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये चार मेथड होते हैं फार्मूला को स्टार्ट करने के। आप इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से कर सकते हैं, पर माइनस में पहली वाली डिजिट आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ऐट द रेट से आप ये वाली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप ऐट द रेट से सिर्फ लिस्टेड फार्मूलाज को ही कॉल कर सकते हैं, जैसे सम, मैच, इंडेक्स, इस तरह के। ठीक है जी, अब फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट करने के बाद इसके बाद क्या क्या देते हैं वो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इसमें चार तरह की कैटेगरी है जो आप एंटर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट, रेंज, फार्मूला एंड नेम्ड रेंज। ठीक है, कॉन्स्टेंट में आपकी होती हैं डायरेक्ट एंट्रीज, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, तो नंबर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट जो है आपको इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है, स्पेस भी अगर देंगे तो वो भी इन्वर्टेड कॉमा में होगा, वो भी टेक्स्ट टाइप है, ब्लैंक अगर देना है तो दो बार इन्वर्टेड कॉमा देना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ नहीं तो वो ब्लैंक हो जाएगा। ट्रू फॉल्स आप डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू टाइप है। बुलियन वैल्यू टाइप क्या होता है वो अभी आगे वाले एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। रेंज दे सकते हैं, जैसे सेल रेफरेंस होता है A1, B2, C2, तो जो भी आपका नेम रेंज में आ रहा हो ये, तो ये आप दे सकते हैं। अगर मैं जॉइंट रेंज की बात करूं कि मुझे H1 से H10 तक देना है, तो मैं I10 तक देना है, तो H1 फर्स्ट सेल और लास्ट सेल, बीच में कॉलन आ जाएगा, तो ये रेंज आ जाएगी आपकी, जिसको आप इसको अगर आप मैन्युअली भी करके देखें तो इसी तरह से कुछ डेटा आता है, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल। ठीक है जी, कोई शीट का नाम है तो शीट के नाम के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर रेंज देंगे। ठीक है, अगर शीट के नाम के बीच में स्पेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शीट का नाम है उसको कोटेशन मार्क के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है जी, कोटेशन मार्क के बीच में रखना पड़ेगा। और अगर आप पाथ दे रहे हैं कोई, कोटेशन मार्क हो, जो इन्वर्टेड कॉमा आप शिफ्ट दबा के लाते हैं वो बगैर शिफ्ट के आता है। ठीक है जी, तो अगर इसमें जो वर्कबुक का नाम है वो कैसे आता है, वो वर्कबुक का नाम आता है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, अगर उसके आगे पाथ है और मान लीजिए कि इसके बीच में स्पेस है वर्कबुक के नेम में या शीट के नेम में, तो एक कोटेशन मार्क आपका पाथ शुरू होने से पहले आएगा और ये ख़त्म कहाँ होगा, शीट के नाम पे। ठीक है जी, ये पैटर्न आपके रेंज को देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आप वैसे भी सिलेक्ट करके देखेंगे तो यही सब चीज़ें आएंगी, बस मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह से इनके रूल्स होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एक और कोटेशन मार्क लगा दूँ ताकि वो कोटेशन मार्क विजिबल हो। ठीक है, कोई फार्मूला दे सकते हैं, सम, मैच, इंडेक्स, वी लुकअप, नेम्ड रेंज दे सकते हैं। नेम्ड रेंज क्या होती है आपकी, जैसे कि अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है, वो है I1:I8। मान लीजिए इसको मैं कभी यूज़ करता हूँ, कहीं और यूज़ करता हूँ, बहुत जगह यूज़ करता हूँ और मुझे इसका एड्रेस याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो I1:I8 याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं चाहूँ तो इसे फ्रेंडली नेम दे सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये आपका नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे कुछ भी, जैसे मैंने नाम रख दिया डेटा। ठीक है, एंटर किया, तो अब जब भी मैं इक्वल टू करूँगा और डेटा टाइप करूँगा, ये अलग से मार्क आ गया आपका बना हुआ, तो उसका मतलब होगा ये। इसको मैं एज इट इज़ फार्मूलाज में भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे सब में मैंने डेटा लगा दिया, इसके आगे डॉलर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, शीट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से नेम्ड रेंज यूज़ करते हैं हम। अब नेम्ड रेंज का एक और होता है, मान लीजिए क्लाइंट से आपको कोई शीट आती है और उसमें नेम्ड रेंज लगी है, तो आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि ये नेम्ड रेंज किससे एसोसिएटेड है, कौन सा डेटा उठा रही है, तो आप जाएंगे यही नेम बॉक्स है, इस पर जब ये इसका ड्रॉप डाउन है क्लिक करेंगे तो जितनी नेम्ड रेंज बनी होंगी वो आ जाएंगी आपकी।
तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है जी, उस रेंज पे पहुँच जाएंगे। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नेम मैनेजर के अंदर फार्मूला टैब में आपका नेम मैनेजर होता है, जिसमें सारी नेम रेंज आपको दिखाई देंगी कि उनकी वैल्यू क्या है, किसको रेफ़र कर रही हैं, मतलब क्या रेंज है। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, चाहें तो रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। आप किसी फार्मूला को भी नेम दे सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये फार्मूला था, इसको मैंने कॉपी कर लिया और नेम मैनेजर में डिफाइन नेम में आ गया, मैं यहाँ पे नाम दे दिया मैंने सम डेटा, ठीक है, और रेफर्स टू मैंने ये फार्मूला डाल दिया, ठीक है, ओके किया, तो इसने एक नेम्ड रेंज क्रिएट की। आप यहाँ पे तो देख, यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा सम डेटा, पर किसी ने अगर यूज़ किया उसको कि सम डेटा का मतलब क्या है, तो कैसे पता पड़ेगा, नेम मैनेजर में ही जाके यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे रेफर्स टू में ये फार्मूला आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से नेम्ड रेंज का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज होगा तो आपके फार्मूलाज में चेंज होगा, ज़रूरी नहीं है कि शीट का नाम दें, इसका शीट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इक्वल टू के बाद हम फार्मूला स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें, नेम रेंज वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हम कैलकुलेशन के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये है हमारा प्लस लगाया है, तो इनकी तीन कैटेगरी होती है, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये होते हैं मैथमेटिकल, लॉजिकल और टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें जो हम मैथमेटिकल में ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और पावर, ठीक है। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप नॉर्मल आप रेफरेंस लिया आपने और कोई भी इनमें से सिंबल जैसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, स्टार लगा दिए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। पावर निकालनी है 8 की पावर 2, तो ये शिफ्ट 6, ये कैरेट का साइन है पावर के लिए, ठीक है। तो ये आपको पावर निकाल के देगा। मान लीजिए आपने इसी का यूज़ करके आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट, मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इस रेफरेंस को लिया मैंने, पावर का सिंबल यूज़ किया और मैथमेटिक्स का पुराना रूल जो है कि 1/2 करके अगर हम पावर को डाल दें, 1/2 पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ही हो जाएगा, ठीक है जी, 1/2 करके दे देंगे। तो इसमें ऑपरेटर्स में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पे आपका ये E19 जो है वो इनपुट है, ये भी इनपुट है, और इनको प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो जो इसका टाइप होता है, इनपुट का टाइप न्यूमेरिक है और आउटपुट का टाइप भी न्यूमेरिक है। जब किसी ऑपरेटर के दोनों टाइप मैच करते हैं, मतलब सेम टाइप के होते हैं, तो आप इनको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप इनको एक के बाद एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे आप जानते हैं, पर अगले ऑपरेटर पे ये रूल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगले ऑपरेटर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगला ऑपरेटर टाइप है लॉजिकल। लॉजिकल पे आने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ कि कुछ लोगों को इस पे कंफ्यूजन होती है कि परसेंटेज किस कैटेगरी में आता है। जैसे हमने 10 के बाद अगर ये लगा दिया तो क्या ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर नहीं है, ठीक है जी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये जनरल फॉर्मेट है, कोई भी नंबर है अगर आप उसके आगे परसेंटेज लगाते हैं तो वो परसेंट के नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर नहीं है आपका, ठीक है। तो परसेंटेज भी एक तरह का वैल्यू टाइप है,
अब लॉजिकल परसेंटेज आपका ना, देखिए कई बार क्या होता है कि मैं अगर लिखूं 10% तो लोग सोचते हैं क्या ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर नहीं है, ये एक वैल्यू टाइप है, न्यूमेरिक का ही एक वैल्यू टाइप है, ठीक है। मतलब इसमें आपका क्या होता है कि वैल्यू जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, ये तो इसको ऑपरेटर की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की तरह बिहेव नहीं करता है और इस पर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। लॉजिकल में आते हैं, लॉजिकल में हो गया आपका हाँ बिल्कुल स्काइप को बंद कर देता हूँ। हाँ ये पता नहीं हमेशा अपने आप ही हो जाता है। हो गया ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हो गए आपके, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। अब जैसे हमें खाली दो वैल्यू कंपेयर करनी है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, तो हमें इफ का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं कि क्या ये इसके बराबर है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ट्रू फॉल्स में, ठीक है, बराबर है तो ट्रू, नहीं बराबर है तो फॉल्स, ठीक है जी। तो ट्रू फॉल्स भी एक तरह का वैल्यू टाइप है, जैसे अगर आप इसको लिखते हैं, जैसे मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, एंटर किया कैपिटल में हो जाता है अपने आप, तो इसको बुलियन वैल्यूज़ कहते हैं, बुलियन टाइप है, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई बाय वन किया है इनकी न्यूमेरिक वैल्यू जानने के लिए, तो ट्रू की क्या आ रही है 1, फॉल्स की आ रही है 0, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभार वी लुकअप में हम लोग फॉल्स की जगह 0 भी देते हैं, ठीक है। अब इस कैटेगरी में क्या होता है, इसके ऑपरेटर्स का देखते हैं कि इनपुट टाइप आपका टेक्स्ट, नंबर, डेट, बुलियन वैल्यूज़ हो सकती हैं, पर आउटपुट टाइप आपका बुलियन ही वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं होता है तो क्या है, आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेरिजन डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 3 नंबर मैंने एक जैसे डाले और इक्वल टू मैंने करके चला दिया, रिज़ल्ट तो आएगा पर ये गलत आएगा, क्यों आएगा वो देखते हैं। फार्मूला में गए हम, किसी फार्मूला को देखना है हमने कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो इवेल्युएट फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है, फार्मूला में इवेल्युएट फार्मूला, ठीक है। अब इसमें इवेल्युएट करेंगे D34 10 E34 10, अब ये इन दोनों को प्रोसेस करेगा, इन दोनों को प्रोसेस किया तो क्या है ट्रू। अब ट्रू इक्वल टू 10 प्रोसेस होगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ट्रू 10 के बराबर तो नहीं है, इसलिए तो ये रॉन्ग एंट्री होती है हमारी, हम सिर्फ दो वैल्यू को ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपको चेक करना है कि क्या ये नॉट इक्वल टू, इसी तरह ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू का मतलब है क्या ये बराबर नहीं है इसके, तो बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, ठीक है, बराबर हो गया तो फॉल्स आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट की कैटेगरी में, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेटर आता है आपका, जो है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, एंड का साइन यूज़ होता है इसमें, इसका भी इनपुट टाइप आउटपुट टाइप टेक्स्ट ही है, ठीक है, मतलब सेम है। तो जैसे कि अगर मैं 2 सेल को या 3 सेल को किसी एक सेल में लाना चाहता हूँ, तो मैं रेफरेंस लूँगा, एंड का साइन लगाऊँगा, इससे जॉइंट करूँगा, ये आ गया, ठीक है। अगर बीच में स्पेस चाहिए तो मुझे कांस्टेंट एंट्री करनी पड़ेगी, और कांस्टेंट में स्पेस कैसे डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, फिर एंड, मतलब G38 स्पेस के साथ जॉइंट हुआ, फिर ये जॉइंट हुआ H38 के बाद, उतनी बार एंड का साइन आता जाएगा,
ठीक है, आगे कुछ लिखना है, मिस्टर करना है तो ये भी आपका इसमें आएगा इन्वर्टेड कॉमा में। तो इस तरह से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं डॉलर। डॉलर का यूज़ क्यों होता है? तो जैसे नहीं, टेक्स्ट, टेक्स्ट कहते हैं डेटा टाइप को, जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं ना, उनको टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है, जो इसमें एंटर होती हैं। जैसे कि ये नंबर है तो ये टेक्स्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से आपका ये बुलीन कैटेगरी में आएगा, ठीक है। डेट आपको पता ही है कि वो भी एक नंबर ही है, ठीक है ना। तो ये टाइप हैं जो एक्सेल में अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। टाइम भी एक नंबर है, परसेंटेज भी एक नंबर है, ठीक है ना। तो डेटा टाइप होते हैं। अब जैसे मैंने एक रेफरेंस लिया, चाहे फार्मूला में लिया हो चाहे मैंने सिंपल वैसे ही लिया हो, ठीक है, A41। अब A41 में A क्या है? A किसको रेफर कर रहा है? कॉलम को। 41 किसको रेफर कर रहा है? रो को। तो होता क्या है कि जब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं या मूव करते हैं या ड्रैग करते हैं तो रेफरेंस चेंज होते हैं। अगर आप टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मतलब कॉलम में बढ़ रहे हैं FGH, तो F में A था, यहाँ B हो जाएगा, G में B, H में। तो जब कॉलम में बढ़ेंगे तो कॉलम इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब जब रो में बढ़ेंगे तो रो इंक्रीज़ हो जाएगी, 43, 44, 45, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जिसका इंक्रीमेंट आपने रोकना हो, यानी जिसको फ्रीज करना हो, उसके आगे आपने डॉलर लगाना है। जैसे कॉलम का इंक्रीमेंट रोकना है, आप चाहते हैं कि ए की कॉलम को ना छोड़े, तो आप ए के आगे डॉलर लगा देंगे। अब इसको मैं कॉपी करके मान लो दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ए जो है मेरा यहाँ पे अब चेंज नहीं हो रहा है, पर रो के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया है तो रो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह से कॉलम से हटाता हूँ, मैं रो के आगे लगा देता हूँ डॉलर, तो रो मैंने फ्रीज़ कर दी है। तो अब ये रो चेंज नहीं होगी, मतलब 41 रो, 41 कॉलम के आगे कुछ नहीं लगाया तो कॉलम में इंक्रीज़ करने पे कॉलम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। अब ए के आगे, हाँ जी, नहीं, पहले मैंने कॉलम के आगे लगाया था, ए के आगे लगाया था, दूसरा मैंने फिर 41 के आगे लगाया, मतलब रो के आगे लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के आगे भी लगा रहा हूँ, 41 के आगे भी लगा रहा हूँ, मतलब मैं चाहता ही नहीं कि ये लिंक कहीं से हिले, अपनी जगह छोड़े। तो A41 ही रहेगा यहाँ पे भी, कहीं पे भी, ठीक है ना। कॉलम इंक्रीज़ होगा ना रो इंक्रीज़ होगी। इसका जो शॉर्टकट है वो है F4। इसके लिए आपका कर्जर या तो नेक्स्ट टू रेफरेंस होना चाहिए या आप सिलेक्ट करके करेंगे। तो F4 जब प्रेस करेंगे तो ये आपको अलग अलग मोड दिखाएगा कि इसमें कॉलम लॉक हो गया, इसमें दोनों लॉक हो गए, इसमें रो लॉक हो गई, और ये वैसा कर दिया, ठीक है। तो F4 का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं फार्मूला पे, इफ़ के फार्मूला पे, लिस्टेड फार्मूलाज पे चलते हैं। अब इनमें मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या है कि जब सेल्स 50,000 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, 1,000 इंसेंटिव देना है, अदरवाइज ज़ीरो देना है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला में क्या होता है, ये आपका ब्लू कर्सर जहाँ भी होता है, अगर फार्मूला आपने टाइप कर रहे हैं तो जैसे ही टैब दबाएंगे ब्रैकेट ओपन तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब कि पैरामीटर्स
आर्ग्यूमेंट या इनपुट वैल्यूज, जो इसमें इनपुट होगा जिसके बेस पे फॉर्मूला रिजल्ट देगा। तो लॉजिकल टेस्ट में हम देते हैं, क्या देते हैं, लॉजिकल, आप लॉजिकल ऑपरेटर के बेस पे कोई कैलकुलेशन देते हो कि इफ़ B7 ग्रेटर देन 50,000, अब इसका जो रिजल्ट आना है वो आना है ट्रू या फॉल्स में, है ना। अब ट्रू अगर आता है तो क्या देना है, वो आपको देना है वैल्यू इफ़ ट्रू के सेक्शन में, कॉमा से सेपरेट करेंगे, जैसे कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू में मैंने देना है 1,000, कि अगर ये 50,000 से बड़ी हो जाती है, और कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर फॉल्स आता है इस वैल्यूएशन में तो मैंने देना है 0। ठीक है जी, अब इस फार्मूला को ड्रैग या कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो वैल्यू का इवैल्यूएशन ट्रू आ गया वो ट्रू की वैल्यू देगा, अगर इसका इवैल्यूएशन फॉल्स आया तो ये फॉल्स की वैल्यू देगा। क्लियर है। इसके बाद हाँ, तो इफ़ के फॉर्मूला को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ 1,000-2,000 लिखा है, मैंने इफ़ का फॉर्मूला लगाया, लॉजिकल टेस्ट में मैंने क्या दिया, D7, जिसमें कुछ भी नहीं है, E7 वैल्यू इफ ट्रू में दिया, वैल्यू इफ फॉल्स मैंने 2,000 F7, ठीक है, दे दिया फॉर्मूला पूरा। पर यहाँ पे 2,000 कैसे आया, कुछ बता सकते हैं इसका, इसके बारे में? देखो अब क्या होता है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट की बजाय एक लिंक दे दिया D7। अगर मैं D7 को ऐसे ही लिंक करके उठाऊँ तो क्या आएगा, अगर उसमें कुछ ना हो, 0। ठीक है, अब 0 का मतलब क्या होता है, अगर बुलियन वैल्यूज की बात करूँ, फॉल्स है ना, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 यूज़ करते हैं ना, तो इसको जब मिला 0 तो ये सीधा ही वैल्यू इफ फॉल्स उठा के दे देगा। इफ़ को ये मतलब नहीं है कि आप इसमें कोई कैलकुलेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो तो ऑपरेटर का काम है ट्रू फॉल्स निकालना। इफ़ का सिर्फ ये काम है कि लॉजिकल टेस्ट में ट्रू या फॉल्स जाने के केस में इसे कौन सी वैल्यू देनी है, बस यही काम है इसका। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे इसे डायरेक्ट ही ट्रू मिल जाए या फॉल्स मिल जाए तो ये एज इट इज़ वैल्यू दे देगा। ठीक है, फॉल्स करूँगा वैल्यू फॉल्स के सेक्शन की वैल्यू दे देगा। तो एक्चुअल कैलकुलेशन जो करते हैं वो हमारे ऑपरेटर करते हैं, ना कि इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला सिर्फ दो चॉइस दे रहा है आपको, ट्रू में क्या देना है, फॉल्स में क्या देना है। ठीक है, ये क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इफ़ के फार्मूला के थ्रू। तो मतलब इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि D7 इक्वल टू ट्रू है कि नहीं, वो गलत होता है, वो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स मिल जाए वो डायरेक्ट फैसला कर देगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहुँचते हैं। यहाँ पे मेरे पास रेंज है और उनका इंसेंटिव है कि 0 से 19,999 तक ये वाला इंसेंटिव, और फिर 20,000 से 39,000 पे ये इंसेंटिव, उसके बाद आगे ये, तो इस तरह से, और 1,00,000 या उससे ज़्यादा है तो ये इंसेंटिव। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है कि हम कंपेयर सिर्फ दो वैल्यूज़ को कर सकते हैं, जिसमें पहली वाली हमेशा सेल्स ही रहेगी, है ना। तो हमें इफ़ के और फार्मूला की ज़रूरत है जो ये काम करेंगे, मतलब इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में मैं क्या करूँगा, इफ़ लगाया मैंने, लॉजिकल टेस्ट में पहले मैंने चेक किया कि क्या ये लेस देन इक्वल टू है, मतलब क्या ये मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है सेल्स हमारी, अगर है तो क्या देना है, ये देना है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली इससे बड़ी होगी। तो हम नेक्स्ट रेंज में चेक करेंगे कि क्या जो हमारी सेल्स है इससे छोटी है, तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। पर फॉर्मूला को आगे बढ़ाने से पहले
मैं क्या करूँगा, वैल्यू फॉल्स में कोई भी एक स्टैंड बाय वैल्यू देता हूँ। स्टैंड बाय वैल्यू मीन्स कोई भी अपनी मनमर्जी की वैल्यू करके फार्मूला क्लोज करके बाहर आ जाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे अगर मैं कभी एक शूट में फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बड़ा फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो गलत होता है कहीं, आप एंटर करेंगे नहीं जाएगा, जैसे ही एस्केप करेंगे पूरा फार्मूला उड़ जाएगा, मतलब आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, 5-6 फार्मूला लगाने हैं, तीसरे चौथे में एरर आ गई, पूरा फार्मूला गया। तो उस एरर को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमें पहले एक फार्मूला कंप्लीट करना है चाहे जैसे भी। फिर हमने क्या करना है, वापस आके इसमें अपना फार्मूला एंटर करना है उस वैल्यू को दबा के, और ब्रैकेट भी साथ में ही ले लेने हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट साथ में ले लेने हैं, जिससे क्योंकि ब्रैकेट की भी एक दिक्कत आती है, अगर आपके मैक्सिमम एरर क्या होती है कि इसमें 3 वैल्यू मांगी है, आपने ज़्यादा दे दी तो फिर वो लेगा नहीं। ठीक है, तो वो ब्रैकेट के कारण होता है, अगर ब्रैकेट नहीं क्लोज हुआ तो इसे पता कैसे पड़ेगा कि उसकी लिमिट कितनी है। तो हम आगे चलते हैं इसमें कि ये सेल्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये, और अगर है तो ये इंसेंटिव देना है, अदरवाइज 1 करके फिर बाहर आ जाओ। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई एरर आती भी है, मान लीजिए इस स्टेज पे एरर आ रही है, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, एंटर कर रहा हूँ नहीं हो रहा, एस्केप दबाया, तो मेरे पास एटलीस्ट वो 2 फार्मूला तो बचे पड़े हैं। ठीक है, तो स्टैंड बाय वैल्यू का यूज़ करना है, एंटर करके फार्मूला कंप्लीट करना है, एक एक करके लगाना है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने हैं साथ में। ठीक है, ताकि एरर के चांस कम रहे, और एक और चीज़ करना है, डॉलर लगाने हैं, क्योंकि अगर अब मैं इस फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करूं तो ये कैटेगरी तो सबके लिए सेम है, हर एक वैल्यू के लिए, तो पर क्या करेगा, ये लिंक छोड़ देगा अगर आप डॉलर नहीं लगाते हैं, तो आप डॉलर अप्लाई करते चलें, सेल्स में लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कहाँ लगाना है ये पूरी तरह से फिक्स करना है, ना रो बढ़नी है ना कॉलम, हालांकि मैं इसे कॉलम में ड्रैग नहीं कर रहा तो कॉलम बढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ रो करनी है, चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने दोनों वैल्यू फ्रीज कर दी। ठीक है, तो मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टैंड बाय, डॉलर से आपका ये लिंक नहीं छोड़ेगा। देखो यहाँ के डॉलर का मतलब क्या हो गया, G39 कि जब मैं इसको ड्रैग करूँगा रो में तो ये 39 से 40 हो जाएगा, है ना, पर ये डॉलर लगा होने से नहीं होगा, मतलब ये लिंक जो है वो यहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, एब्सोल्यूट हो जाएगा वो। ठीक है, अब हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगली कंडीशन लगाता हूँ कि लेस देन इक्वल टू ये है कि नहीं, जैसे ही लगाएं वैसे ही डॉलर भी लगा दें। ठीक है, और 1 दे के फिर बाहर आ जाए, तो यही करना है हमने स्टैंड बाय वैल्यू का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। हाँ, फार्मूला, क्योंकि वैल्यू फॉल्स में मुझे कुछ डालना है, हाँ, तो मैं कुछ भी डाल के फार्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ बस, तो बाद में उसको डिलीट करके ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाया, और कंडीशन इसी तरह से मैं लगाता चला जाऊँगा, क्या ये लेस देन इक्वल टू इस वैल्यू के है, अगर है तो ये देना है, अदरवाइज में 1 दे के फिर बाहर आ जाओ, जिससे फार्मूला कंप्लीट होता रहे। इसको डिलीट किया फिर से, अब मेरे पास 2 इंसेंटिव के ऑप्शन बचे हैं, लेस देन इक्वल टू ये वाला है, अगर इस वैल्यू से छोटा होता है तो क्या है, ये ले ले, अदरवाइज हर केस के लिए, अब वैल्यू फॉल्स में मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची है तो मैं इसी को ही दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया फार्मूला कंप्लीट। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा या कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बड़े फार्मूले जो हैं वो बनाए जाते हैं, वैल्यू फॉल्स में वो ये चेक करता आया पहले कि क्या वैल्यू इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है,
अगर इससे छोटी नहीं है तो मतलब इससे बड़ी होगी, जिसमें मैंने ये दे दिया। ठीक है जी, एक सेकेंड। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो दो मिनट रुकेंगे क्योंकि लाइट चली गई है। हाँ जी, तो देखते हैं कनेक्शन वापस आ रहा है। हाँ जी, लाइट चली गई थी बीच में। हाँ, वो होता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक और चीज़ चेक। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा लैपटॉप है ना, वो नेट जाता है खाली। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपने ना, लास्ट में जाके एक बार और देखना है F2 करके कि कहीं आपके लिंक आउट तो नहीं हो रहे। मतलब कि अगर आप एक आधा डॉलर भूल जाओगे तो वो लिंक आपको आउट दिखाई देगा। लिंक कैसे पहचानेंगे कि इसका भी यही कलर होगा और इसका भी यही कलर होगा, इनके कलर सेम होंगे। आप कलर से पहचान सकते हो कि कौन सा लिंक किधर लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि आपका जो फार्मूला अंदर भी शुरू हो रहा होगा उसका ब्रैकेट का कलर और एंडिंग ब्रैकेट का कलर भी सेम होगा। ठीक है, तो ये तरीका है, तीन तरीके इसमें मैंने बताया आपको। एक तो स्टैंड बाय वैल्यू का यूज़ करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स डालने हैं और डॉलर अप्लाई करना है। इन तीन चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस के लिए कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कोई आपके नॉलेज में ऐसा फार्मूला है जो एक फार्मूला में ये रिज़ल्ट मेरे को जनरेट कर दे? VLookup आता है आपको क्या? VLookup से हो सकता है? चलो ट्राई करते हैं। VLookup, लुकअप वैल्यू में हमने सेल्स वैल्यू ले ली। ठीक है, और मैंने इस तरह से टेबल एरे ले लिया। ठीक है, कॉलम इंडेक्स 3, आगे मैं कुछ नहीं लगाऊंगा रेंज लुकअप में। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ, सेम है वैल्यू। ये तो मेरा दिखाने का मतलब इसको ये था कि कई बार जो फार्मूला है वो ऐसा बिहेव करता है कि जो हमें नहीं पता होता कि वो क्या देगा, है ना। हमें उसकी एक्चुअली में वर्किंग नहीं पता है फार्मूला की, कि वो किस केस में कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है ये जो स्क्रीन टिप आती है, ये आपके क्या क्या हेल्प करती है। एक तो आपको जब एंटर कर रहे होते हैं तो वो बोल्ड हो जाती है कि कौन से में आप हो। जैसे क्लिक करोगे तो ये टेबल एरे है क्या, ये बताता है। आप इस पर क्लिक करोगे
तो ये बताता है कि कौन से पैरामीटर में क्या एंट्री हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके नाम पे क्लिक करते हो तो आपको ये हेल्प फाइल खोल देता है उसी फार्मूला पे, ठीक है। तो ये VLookup फंक्शन का पूरा डिटेल आ गया, ठीक है। आपके में कुछ अलग आएगा, मेरे में तो विद वीडियो भी है, 2013 है। तो बेसिकली ये बेसिकली ऑनलाइन हेल्प है जो office.com से आई है। इसको मैं फ्रॉम माय कंप्यूटर कर लूँ, ऑफलाइन हेल्प आ गई है मेरे पास। तो ऑफलाइन हेल्प में ये शो ऑल कर दूँ ताकि सारी डिटेल दिखाए मुझे। हाँ, ये सिंटेक्स है जो मतलब हमारे को स्क्रीन टिप में दिखाता है कि कितने पैरामीटर हैं। तो आप देखो कि तीन पैरामीटर तो एक जैसे हैं, ये जो है इसका स्क्वायर ब्रैकेट्स में पड़ा हुआ है। क्या मतलब है इसका? लुकअप वैल्यू रिक्वायर्ड पैरामीटर है, मतलब उसे देना ज़रूरी है। टेबल एरे रिक्वायर्ड है, कॉलम इंडेक्स रिक्वायर्ड है, पर रेंज लुकअप जो है आपका ऑप्शनल है। तो जितनी भी वैल्यू आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखते हैं वो होती है ऑप्शनल, दो या मत दो आपको फार्मूला चलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें ही पढ़ते हैं आगे, इफ़ रेंज लुकअप इज़ आइदर ट्रू और ओमिटेड, अगर आपने ट्रू दिया है या नहीं दिया है कुछ भी। अभी मैंने मेरे केस में क्या दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया था या मैं ट्रू देता तो एन एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच इज़ रिटर्न। एग्जैक्ट मैच तो आपको पता है कि यहाँ अगर 40,000 मिलेगा तो 40 देगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मैच क्या है कि जब वो नहीं मिलता है, इफ़ एन एग्जैक्ट मैच नॉट फाउंड द नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज़ लेस देन लुकअप वैल्यू इज़ रिटर्न। तो नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज़ लेस देन वैल्यू, देखो 40,000 था यहाँ, ये मिल गया 500 उठा लिया इसने थर्ड से, पर 37,000 में लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ लेस देन लुकअप वैल्यू, इससे छोटी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 20,000 है तो उसका देगा। 55,000 में क्या आएगा, 40,000 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो इसका आएगा ये, ठीक है। 87 में ये कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में, मतलब 80 इसके लिए लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें, तो 1500 देगा, ठीक है। तो इस तर्क पे ये काम करता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आपका यूज़ होता है जैसे ग्रेड निकालने के लिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, नंबर्स आए हैं, नंबर से ग्रेड निकालना है, तो इसी तरह से टेबल बनेगी वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका होता है, इसकी नॉलेज आपको सिर्फ एक्सेल के हेल्प फाइल से ही मिल जाएगी, अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं। खाली रिटर्न में नहीं, विद एग्जांपल, ये वही पैटर्न है जैसे मैंने फार्मूला लगाया, जैसे इसमें लिखा है VLookup 1 एक सर्च कर रहा है ये A2 से C10, मतलब इस डेटा में, ठीक है। तो पहले डेटा में सर्च करेगा लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ लेस देन लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये है। कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 2, तो ये वैल्यू रिटर्न हुई है यहाँ, यही ये चीज़ बता रहा है, यही एग्जांपल। तो आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इवन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे एक्सेल की हेल्प फाइल में, ठीक है जी। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं अभी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट एक्चुअली सेशन 15 मिनट और लेट हो गया है, पहले वाला भी लेट हो गया। कल के सेक्शन में मैं आपको एंड और का फार्मूला और VLookup, HLookup, मैच इंडेक्स, ऑफसेट, ये वाले फार्मूले बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप जो मेथड मैंने दिखाए हैं इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर लेनी, ठीक है। हाँ, मतलब ये फार्मूला में आपने एक बार देख लेना है कि क्या क्या चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक चीज़, ठीक है। तो ये हम अब नेक्स्ट कल देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है जी, ओके।